देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। खबर यूपी के जनपद चंदोली अलीनगर से सामने आई। थाना क्षेत्र के काशीपुरा में गत 21 जुलाई को हुए अधेड़ की हत्या मामले का पुलिस ने आज पर्दाफाश करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला अशनाई से जुड़ा है, जहां माँ और चाचा के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते भतीजे को ये बात हर वक्त खटकती रहती थी। इतना ही नहीं, एक दिन अपने बहनोई के साथ मिलकर उसने चाचा को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और 20 जुलाई की रात घर से बाहर सो रहे चाचा की गोली मार कर हत्या कर दी। जी हाँ, चलिए अब सुनते हैं इस पूरी घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल जी का क्या कहना है। थाना अलीनगर में 21/7 को एक मर्डर की सूचना आई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम गुड्डू चौहान था, उसके सिर पर रखी गोली मार दी गई थी। इसमें 21 तारीख को ही FIR दर्ज की गई थी और इसमें जो वादी थे वो मृतक के जो बेटे हैं उनके द्वारा ही उसमें वादी और दो लोगों को नामजद किया गया था। इस केस के अंदर काफ़ी देर से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पर कोई चीज़ सामने नहीं आ रही थी। इस केस में जब द्वारा से सभी साक्ष्यों को और सभी फैक्ट्स को देखा गया तो इसमें दो लोगों का नाम सामने आया, एक का नाम राजेश और दूसरा नाम जोगिंदर। जिसमें ये सामने आया जो राजेश हैं वो मृतक के बेसिकली मृतक उनके चाचा लगते हैं और जोगिंदर जो हैं वो राजेश के जीजा हैं। इनके द्वारा जब इनसे अलग अलग पूछताछ की गई तो एक चीज़ सामने आई कि जो राजेश की मदर हैं, मृतक का उनसे संबंध होना बताया गया, जिस कारण से राजेश को हमेशा एक रंजिश रहती थी कि मृतक को अपने चाचा को खत्म करना है। सुबह होने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामला दर्ज करके छानबीन में जुट गई। पुलिस ने असली कातिल का पता लगा ही लिया और हत्या मामले में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने को सर्वेलेंस और स्वाट टीम काफी दिनों से सक्रिय थी। साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।